हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। जो चेंजेस आने वाले हैं आपकी जीएसटी 3B में या फिर जीएसटी 1 में फ्रॉम अप्रैल 2021। जी हाँ, अभी चल रही है फरवरी की फाइलिंग और इसके बाद आपको करनी है मार्च मंथ की फाइलिंग। चाहे आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हो चाहे मंथली टैक्स पेयर हो, आपको दोनों को ही मार्च मंथ की फाइलिंग करनी पड़ेगी इन अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 में क्योंकि QRMP स्कीम आई, उसके बाद आप फर्स्ट रिटर्न क्वार्टरली वाली फाइल करोगे, तो कुछ चेंजेस आए हैं उस क्वार्टरली रिटर्न्स में। आइए देखते हैं क्या चेंजेस हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट दो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी फाइलिंग चेंज हो गई है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी फाइलिंग कैसे होगी अप्रैल मंथ में, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसमें। तो हम देख रहे हैं GSTR 3B, आप देख सकते हैं मैंने GSTR 3B निकाली है और जब हम उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स में जाते हैं, आप देख सकते हैं GSTR 3B है और हम पेमेंट ऑफ टैक्स वाले बॉक्स में है। जैसे ही हम उस वाले बॉक्स को ओपन करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं इसके थ्रू, और जब हम एक पेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट आता है प्रोसीड टू फाइल। ये रिटर्न मैंने ऑलरेडी फाइल की हुई है, ये है दिसंबर मंथ के रिटर्न। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक नया टैब दिख रहा होगा, पेमेंट मेड इन द क्वार्टर। जी हाँ, क्योंकि QRMP की स्कीम में आपने जो पिछले क्वार्टर पेमेंट किया हुआ होता है उसका 35% आपको हर मंथ फर्स्ट टू मंथ पे करना होता है, तो इसलिए ये नया ऑप्शन आ गया है पेमेंट मेड इन क्वार्टर। मैं क्लिक करती हूँ और देखती हूँ क्या होगा इसमें। अगर आप देखेंगे तो आया है नो डेटा फाउंड, अभी इसमें कोई डेटा फाउंड नहीं है, बट आइडियली इसमें जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपने जो फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ द क्वार्टर में जो भी टैक्स पे किया होगा, अपने जो पेमेंट चलान से जो भी टैक्स पे किया होगा वो यहाँ पे आना चाहिए। तो जो फर्स्ट टू मंथ्स में आपने टैक्स पे किया है, थर्ड मंथ के रिटर्न जब आप मार्च के रिटर्न फाइल करने वाले होंगे तो आप जब 3B खोलेंगे उसमें तो आपका इस टैब में पेमेंट मेड इन द क्वार्टर दिखने लग जाएगा। तो तब आपको पेमेंट मेड इन द क्वार्टर दिखेगा और आप देख सकते हैं कि हमने कितना पे कर दिया और कितना हमारा बचा है पे करना। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज आ गया है आपकी मार्च मंथ के रिटर्न में, ये दिखेगा आपको क्वार्टरली रिटर्न जब आप फाइल करोगे। और ये मैं बता देती हूँ दोबारा से, ये उन लोगों के लिए है जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है, जिन्होंने QRMP में ऑप्ट किया है, उन लोगों के केस में ये आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज अगेन, ये तो बात हुई कि टैक्स की, जैसे कि आप सोच भी रहे थे कि कैसे टैक्स एडजस्ट होगा फाइनल मंथ में, तो ऐसे ही होगा, जितना टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा वो दिखने लग जाएगा और जितना टैक्स आपका बनता है नया आप पूरा कैलकुलेट करेंगे फॉर द क्वार्टर, जितना टैक्स बनता है डिफरेंस में आप पे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड चेंज जो कि आपका GSTR 1 में आएगा। तो ये मैंने ओपन किया है GSTR 1 जो कि मार्च मंथ के लिए है। आप क्यों देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इसका मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइलर, ये QRMP में ऑप्टेड है। इन लोगों की ड्यू डेट रहेगी 13th अप्रैल, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। नाउ अब जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं तो आप सब कुछ फाइल करते हैं अपने B2B सप्लाईज को भी और B2C सप्लाईज को भी। तो जब आप B2B सप्लाईज को डालेंगे इस फर्स्ट टेबल में 4A 4B 4C 6B 6D इसमें जब आप ढालेंगे तो अभी हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई इनवॉइस नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करेंगे मार्च मंथ की, जब आपका टाइम आ जाएगा रिटर्न फाइल करने का, तो यहाँ पे आपको वो इनवॉइसेस ऑलरेडी दिखने लग जाएंगे और आपको सिर्फ वो इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे जो कि आपने फर्स्ट टू मंथ में IFF के थ्रू अपलोड नहीं किए थे। तो आपको सिर्फ बैलेंसिंग इनवॉइसेस अपलोड करने हैं और जो टोटल मिला के जो सेल बनेगी उसमें जो टैक्स बनेगा वो आपको एडजस्ट करना होगा, ऑलरेडी पेड टैक्स और नेट टैक्स आपको पे करना होगा। Now, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है GSTR 1 का। मैं बात दोबारा से क्लेरिफाई कर देती हूँ कि आपको इनवॉइसेस दोबारा से अपलोड नहीं करने हैं जो आपने IFF के थ्रू अपलोड कर दिए हैं, यहाँ से रिमेनिंग इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। नाउ तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आपका मंथ ऑफ मार्च के लिए, मार्च के रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो ये आपको दिखेगा। रीसेट ऑप्शन का बटन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, अगर कोई भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है या कोई भी डेटा आप गलत फिल कर देते हैं और आपको लगता है कि डिलीट करने में बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि आप जानते हैं B2B इनवॉइसेस जो होते हैं उनको हम 1-to-1 करके फाइल करते हैं, एक एक करके इनवॉइसेस का रिटर्न डालते हैं, और अगर बहुत सारे इनवॉइसेस हैं और आपको डिलीट करने हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो आप इस रीसेट के बटन को यूज़ कर सकते हैं और आप उस जो डेटा को बिल्कुल डिलीट करके नया डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो ये तीन चेंजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम फर्स्ट टू मंथ में PMT 06 के थ्रू टैक्स पे कर रहे हैं, जब हमने IFF ऑप्ट किया हुआ है, मतलब आपने QRMP ऑप्ट किया हुआ है, आप IFF अपनी B2B सेल्स की डिटेल्स शेयर कर रहे हो ऑप्शनल बेसिस पे, देन आपको टैक्स तो पे ही करना है, चाहे आप फिक्स मेथड से करो चाहे आप असेसमेंट बेसिस पे करो,
कि आपने एक्चुअल जब एक्चुअल टैक्स बनता है वो पे करो, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पे करो, तो इन दोनों में से कुछ भी करो, पर आपको टैक्स तो पे करना ही होता है PMT 06 से। अब आप सोचेंगे थर्ड मंथ में टैक्स कैसे पे होगा, तो थर्ड मंथ में टैक्स दोबारा से हम थर्ड मंथ में टैक्स किससे पे करेंगे, PMT 06 से ही करेंगे। जब हम 3B फाइल करेंगे तो आपको ऊपर जाना है, चलान्स में जाना है, और 3B का ही चलान बनाना है, वो भी PMT 06 का ही बनाना है। नॉर्मल चालान के थ्रू पे नहीं करने की जरूरत है। आप उसमें वही सेलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स व क्वार्टरली रिटर्न, और वहां पे नॉर्मल जैसे हम टैक्स पे करते हो वैसे करेंगे। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ कैसे टैक्स पे करते थे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि हम यहाँ जाएंगे, और हम जब हम IFF में डेटा डाल देते हैं तो हम यहाँ डालते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के हमने डाल दिया डेटा। अब हम मार्च के मंथ में चलते हैं, क्योंकि हम मार्च के रिटर्न अभी फाइल करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और जब फाइल करेंगे तो हम मार्च के मंथ में जाएंगे। ये हम IFF के, इसमें हम IFF के डिटेल जो ऑलरेडी डाल चुके हैं वो नहीं डालेंगे। रिमेनिंग सप्लाईज जो है वो यहाँ पे GST 1 में डालेंगे, और B2C जो हमने बिल्कुल भी नहीं डाली थी पहले वो भी डालेंगे यहाँ पे। एक्सपोर्ट भी है तो भी डालेंगे। नाउ जब हम पेमेंट की बात करते हैं, तो हम पेमेंट करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, और हम क्रिएट चालान करेंगे। तो चालान क्रिएट करते हुए अभी भी हमको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न ही करना है। अभी आप दिखा देती हूँ कि हम पे कर रहे हैं तो हमको जनवरी फरवरी दिख रहा है। जब मंथ मार्च का स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मार्च मंथ भी दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको वही मेथड यूज करना है कि मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको रिमेनिंग टैक्स अब पे करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट 2 months में 35% या सेल्फ असेसमेंट बेसिस यूज कर लिया, फाइनल मंथ में आपको फाइनल टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, और टैक्स कंप्यूट करके आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा थर्ड मंथ में, मार्च के मंथ में। तो ये फोर्थ अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया कि टैक्स की पेमेंट कैसे होगी। एक और फिफ्थ अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो है HSN समरी पे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अप्रैल 1 से HSN समरी, HSN वाइज डिटेल्स अपलोड करना मैंडेटरी हो गया है। डिपेंड करता है B2B करते हैं, B2C करते हैं, देन आपकी टर्नओवर कितनी है। तो आपको अकॉर्डिंगली HSN समरी अपलोड करनी है, HSN वाइज डेटा भी अपलोड करना है। और आप ये भी जानते ही हैं कि ऑलरेडी HSN वाइज डेटा जहाँ हम डालते हैं वहाँ एक बिग चेंज आया है, टर्नओवर वाइज वैल्यू की जगह अब नया अपडेट आ गया है। तो ये हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी जो फाइलिंग है वो स्मूथ रह सके। हाँ, आपको रेलिवेंट लगे, अगर आपको रेलिवेंट लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।